जब हो कड़ाके की सर्दी और मिल जाए एक प्याला गर्मा गर्म टमाटर सूप, तो सर्दी का मज़ा और ही बढ़ जाता है। तो आइए आज हम बनाएंगे टमाटर सूप। स्वागत है आप लोगों का हमारे चिली फ्लैश चैनल पर। टमाटर सूप बनाने की तैयारी करते हैं। एक कुकर में लिया है हमने थोड़ा सा तेल, और लेंगे थोड़ा सा बटर, क्योंकि डायरेक्ट बटर डाल देंगे तो बटर जल जाएगा। तो हमने तेल मिक्स किया है बटर के साथ, और बटर से सूप का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें डाले हैं हमने 2 तेज पत्ते और कुछ काली मिर्च, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक काट लिया है वो डाला है हमने। अब डाला है प्याज। प्याज को ध्यान रखें ब्राउन ना करें, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसके ऊपर डालेंगे हम टमाटर। ये 7 से 8 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हमने, एकदम पके हुए टमाटर हैं। एक गाजर ली है, और एक छोटा सा चुकंदर। इन सभी चीज़ों को कट करके हमने कुकर में डाला है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और पानी। अब इनको कम से कम 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। कुकर को बंद कर दिया हमने, 2 सीटी आने के बाद कुकर खोल दिया है। टमाटर पूरी तरह गल चुके हैं। चुकंदर सिर्फ हमने कलर के लिए लिया था, हेल्दी भी है और कलर भी अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, चुकंदर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। टमाटर पक चुके हैं, अब हम इनको छानेंगे। इनको अच्छी तरह से छान लेंगे। इनका जो टमाटर का छिलका है और कुछ थोड़ा बहुत जो बच गए हैं, पक नहीं पाए हैं, उनको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर छान लेंगे। ये छान लिए हमने, इसमें थोड़ा पल्प बचा हुआ है, इसको हम ग्राइंड कर देंगे। ठंडा करके हम ग्राइंड करेंगे। थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया, इससे टेम्परेचर और कम हो गया है। ग्राइंड हो चुके हैं, अब इनको भी हम छान लेंगे। ये हमने पूरा पल्प निकाल लिए हैं। अब इस सूप को अब हम पकाएंगे, करीब 5 से 7 मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा गाढ़ा सूप ही अच्छा लगता है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है, और 1 चम्मच चीनी डाली है, जो कि टमाटर का खट्टापन है उसको बैलेंस कर देगी। थोड़ा सा पानी डाला है। इसके ऊपर जो जितनी भी झाग आएगी उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। पाँच से सात मिनट हो गए हैं, सूप पक चुका है, कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है। अब हम बनाएंगे क्रूटॉन्स।
कुछ ब्रेड लिए हमने, उनको काट के फ्राई कर लेंगे। हाँ मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। ब्राउन हो गए हैं, ये रेडी है हमारे क्रूटॉन्स। और अब हमारा टमाटर सूप भी तैयार है, एकदम परफेक्ट कलर है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, चुकंदर की वजह से कलर भी एकदम बहुत प्यारा आया है। इसको सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम के साथ। ये लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म टमाटर सूप, आप लोग भी घर पे बनाएं, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।